हेलो एवरीवन, अब हम आपके सामने एक अलग सेपरेशन टेक्निक करेंगे जिसके अंदर हमारे पास मिक्सचर कौन सा है, सैंड और सॉल्ट का। ये आपके पास ये सैंड है, ये व्हाइट व्हाइट क्या है, सॉल्ट। मैं इसको अच्छे से क्या कर देती हूँ, मिक्स कर देती हूँ। अब क्या आप इसको हैंड पिकिंग से अलग कर सकते हो, सैंड को अलग कर दो और नमक को अलग कर दो, कर सकते हो? नो, क्योंकि दोनों का साइज क्या है, इक्वल, अप्रोक्सीमेटली सेम है, तो आप इसको अलग नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस मिक्सचर में से सैंड को अलग करने के लिए हम एक सेडिमेंटेशन टेक्निक यूज करेंगे। सेडिमेंटेशन टेक्निक करने के लिए हम क्या करेंगे, इस मिक्सचर को क्या करेंगे, एक बीकर लिया मैंने, इस बीकर में मैंने क्या डाल रखा है, पानी। अब इस पानी के अंदर मैंने ये सैंड और सॉल्ट के मिक्सचर को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। ठीक है, अभी मैं इतना ही कर रही हूं। अब हम क्या करेंगे, इसको अच्छे से स्टियर कर लेंगे। इसको स्टियर करने से क्या होगा, जो सॉल्ट है इस पानी के अंदर क्या हो जाएगा, डिजॉल्व हो जाएगा, अच्छे से घुल जाएगा। ठीक है, पर क्या सैंड डिजॉल्व हो जाएगी? सैंड डिजॉल्व होगी नहीं। ठीक है, अब हम क्या कर देंगे, इसको थोड़ी देर के लिए 2-3 मिनट के लिए अनडिस्टर्ब छोड़ देंगे। अनडिस्टर्ब छोड़ने से क्या होगा, जो हमारी सैंड है वो नीचे सेटल डाउन हो जाएगी और जो सा पानी है वो क्या रह जाएगा, ऊपर ऊपर रह जाएगा। इज इट क्लियर? अब सेडिमेंटेशन में क्या हुआ, हमारे पास सेडिमेंटेशन के अंदर जो हमारा सैंड थी वो नीचे क्या हो गई, सेटल डाउन हो गई, क्योंकि हमने इसको अनडिस्टर्ब छोड़ा था। यू कैन सी कि हमारे पास जो सैंड है वो नीचे क्या हो गई है, बैठ गई है, और ऊपर क्या है हमारे पास, पानी। ठीक है, इस पानी में क्या घुला हुआ है, सॉल्ट। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, डिकेंटेशन करेंगे। अच्छा, इसी चीज के अंदर आप मुझे बताओ, जो नीचे चीज बैठी उसको क्या बोलते हैं, सेडिमेंट। सेडिमेंट, यस, हमने कल पढ़ा था ना, जो चीज नीचे बैठी उसको क्या बोलते हैं, सेडिमेंट। और जो ये ऊपर ऊपर पानी है उसको क्या बोलते हैं, सुपरनेटेंट। ठीक है, जो चीज ऊपर ऊपर है, पानी है, लिक्विड है, उसको क्या बोलते हैं, सुपरनेटेंट। अब आपको क्लियर हो गया कि सेडिमेंट क्या होता है और सुपरनेटेंट क्या होता है। अब हम क्या करेंगे, ये जो सुपरनेटेंट है उसको एक अलग बीकर में पोर आउट कर लेंगे, अलग कर देंगे। तो सुपरनेटेंट को अलग करने वाला प्रोसेस आपका क्या कहलाया जाता है, डिकेंटेशन। ये क्या है आपका, डिकेंटेशन। ठीक है, जितना मैक्सिमम पानी निकाल सकते हो उतना निकाल लो। और ये जो सैंड है, ये देखो हमारा जो सा सेडिमेंट था वो इस बीकर में है क्या, और इस बीकर में क्या है, पानी, जिसमें क्या घुला हुआ है, सॉल्ट घुला हुआ है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस पानी को फिल्टर करेंगे। ठीक है, उस पानी को जब हम फिल्टर कर लेंगे तो अभी भी अगर उसके अंदर थोड़ी थोड़ी सी इम्प्योरिटी होगी तो वो इम्प्योरिटी क्या हो जाएगी, फिल्टर पेपर के ऊपर रह जाएगी। ठीक है, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फिल्ट्रेशन कहते हैं। नाउ लेट्स डू द फिल्ट्रेशन इन द नेक्स्ट एक्टिविटी। नाउ नेक्स्ट प्रोसेस इज फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन के अंदर हमने क्या लिया है, फिल्टर पेपर लिया है। ठीक है, ये होती है आपकी फिल्टर पेपर की शेप। ठीक है, इस फिल्टर पेपर को कैसे यूज करते हैं, सबसे पहले इसको डायमीटर के अलॉन्ग एक बार ही रैप कर लेते हैं, फिर दूसरी बार इसको क्या कर लेते हैं, रेडियस के अलॉन्ग रैप कर लेते हैं। तो ये आपका इस तरह से कोन बन जाती है। इस कोन के 3 कर्व आपने क्या ले लेने हैं, एक साइड पे, और एक कर्व क्या रख देना है, एक साइड पे। अब इसको मैं क्या करूंगी, इसको क्या बोलते हैं, फनल। इस फनल के ऊपर मैं क्या करूंगी, इस तरह से लगा दूंगी। ठीक है, अब ये फिल्टर पेपर इसके अंदर सेटल डाउन हो गया। अब हम क्या करेंगे, इस पानी को इस फिल्टर पेपर की हेल्प से छानेंगे। स्लो स्लो आ रहा है ना पानी, स्लो स्लो आ रहा है। उसका रीजन बच्चों बताओ क्या हो सकता है, ऊपर सैंड रह गई, ऊपर जॉन से इस फिल्टर पेपर के ऊपर जो छोटे छोटे सैंड के पार्टिकल्स थे, डस्ट के पार्टिकल्स थे, थोड़ा बच्चे डस्ट पार्टिकल्स थे, वो क्या है, आते जा रहे हैं, जिसकी वजह से उसका रास्ता क्या होता जा रहा है, ब्लॉक होता जा रहा है। तो इसलिए आप चाहो तो आप क्या कर सकते हो,
ये वाला फिल्टर पेपर निकाल के दूसरा फिल्टर पेपर यूज करके बाकी का सोल्यूशन उससे छान सकते हो। ठीक है, अब देखो आपको पानी कैसा कलर लग रहा है। अभी हम इतना ही छानते हैं। ठीक है, ये देखो, अब अगर आप इस फिल्टर पेपर को ध्यान से देखोगे तो क्या है, इसके अंदर अभी भी डस्ट है और वो डस्ट के साइज देखो कितना छोटा है, वो इससे फिल्टर हो गया, इट मींस। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारे से फिल्टर। अब देखते हैं, अब कंपैरिजन करते हैं। ये देखो, इस पानी का कलर और इस पानी के कलर में डिफरेंस है। Yes, ये देखो, ये लाइट ब्राउन कलर का है और इसका कलर और भी लाइट हो गया है। जो हमने फिल्टर पेपर से छाना है उसका कलर और भी लाइट हो गया। ये आफ्टर फिल्टर पेपर है ना, ये बिफोर फिल्टर पेपर एंड ये आफ्टर फिल्टर पेपर से छानने के बाद। ठीक है, तो यू कैन सी द डिफरेंस। सो ये हमने और भी अगर उसके अंदर थोड़ी सी इंप्योरिटीज थी उसको क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। अब इस बीकर के अंदर मुझे बताओ जो पानी है क्या उसके अंदर अभी भी कोई कंपोनेंट बचा है? देख कौन सा कंपोनेंट, कंपोनेंट कौन सा बचा? हमने स्टार्टिंग में क्या लिया था, सैंड और सॉल्ट, सैंड और सॉल्ट लिया था। अब इसके अंदर क्या है, सॉल्ट मिला हुआ। अब पानी में से सॉल्ट को अलग करने के लिए हम कौन सी टेक्निक यूज करेंगे? इवेपोरेशन। पानी में से सॉल्ट को अलग करने के लिए हम कौन सी टेक्निक यूज करेंगे? इवेपोरेशन। नाउ लेट्स डू द नेक्स्ट एक्टिविटी, दैट इज इवेपोरेशन। अब हम क्या करेंगे, इसी को ही इवेपोरेट करेंगे। Now next to the next separation technique, that is evaporation. अब what we have, हमारे पास क्या है इस बीकर के अंदर, इस बीकर के अंदर पानी है जिसके अंदर क्या खुला हुआ है, salt. उस salt को और पानी को मुझे क्या करना है, अलग अलग करना है। तो जिसके लिए मैं क्या करूंगी, इस मिक्सर को किसमें डालूंगी, इस पैन में डालूंगी। ठीक है, अब धीरे धीरे से ही क्या होएगा, ये जौन सा पानी है वो क्या होगा, इवेपोरेट होगा धीरे धीरे से। अब इसी एक्टिविटी के अंदर हम एक और एक्टिविटी सीखते हैं कि कंडेंसेशन क्या होता है। व्हाट इज द इवेपोरेशन बताओ, इवेपोरेशन होता क्या है, कल पढ़ाया था। इवेपोरेशन द हॉट वेव्स कम फ्रॉम द वाटर, हॉट वेव्स कम फ्रॉम द वाटर। और यू कैन से इवेपोरेशन के अंदर क्या होता है, जो पानी है वो कौन सी फॉर्म में कन्वर्ट होता है, गैस फॉर्म में कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पानी गैस फॉर्म में कन्वर्ट होता है। और कंडेंसेशन क्या होता है, गैस इनटू लिक्विड, गैस इनटू लिक्विड। जब हमारे पास जो गैस होती है वो किसी ठंडे सरफेस से टच करती है तो किस में कन्वर्ट हो जाती है, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। अब हम क्या करते हैं, ये पानी कौन सा है, यहाँ पे सीन बढ़ के उड़ रहा है। अब मैंने इसके ऊपर क्या रख दी, एक प्लेट रख दी। ये प्लेट क्या है, ठंडी एज कम्पेयर टू द गैस जो कप इसमें से बाहर आ रही है। ठीक है, वो गैस जब इस प्लेट के साथ स्ट्राइक करेगी तो क्या हो जाएगा, वो इसमें कन्वर्ट हो जाएगी, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, अभी जब हम थोड़ी देर के बाद इसको उठा के देखेंगे तो हमारे पास इस प्लेट के ऊपर क्या नजर आएंगे, वाटर ड्रॉपलेट्स नजर आएंगे। ठीक है, तो दो तीन मिनट बाद देखते हैं कंडेंसेशन हमारी हुई है कि नहीं हुई है। कंडेंसेशन को देखने के लिए मैं क्या कर रही हूँ, इस प्लेट को इसके ऊपर से उठा रही हूँ। ये देखो, ये प्लेट पहले बिल्कुल सूखी हुई थी, अब इस प्लेट के ऊपर क्या है, वाटर ड्रॉपलेट्स। तो यहाँ पे क्या हुआ है, जो नीचे से ये गैस आ रही है वो किसमें, जब इस प्लेट के साथ टकराई तो वो किसमें कन्वर्ट हो गई, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। सो दिस इज योर कंडेंसेशन। ठीक है, इसके नीचे देखो आपको सारा सॉल्ट नजर आ रहा है। yes. ये देखो सारा ये सॉल्ट रह गया, सारा पानी क्या हो गया है, इवेपोरेट हो गया। ये सारा इसमें वाइट वाइट, सारा वाइट वाइट जोन सा है, ये सारा क्या है हमारा सॉल्ट। ठीक है, अब इसको चेक करते हैं कि हाँ भाई ये सॉल्ट है कि नहीं है। मैंने इसको थोड़ा सा क्या कर लिया, स्पून में डाल दिया, रह गया। और ये कौन सा सॉल्ट है, ये क्रिस्टलाइन सॉल्ट है जो कि काफी प्योर है। अब इसको थोड़ा मैं ठंडा कर दूं। अब इसको ठंडा करके क्या करते हैं, इसको टेस्ट करते हैं। ये नीचे है वो क्या रह गया हमारा, सॉल्ट रह गया। Is it clear? Yes. So this is our different separation techniques. Okay. So कौन कौन सी separation सीखी? Filtration. आपने evaporation. आपने all. नाम बता दो कोई ये. Evaporation, decondensation. बस. Evaporation और condensation हो गया. आपकी कौन सी है? Condensation. आपकी. Magnetic separation. आपकी. Evaporation. Filtration. एक hand picking करी हमने. ठीक है, तो ये सारी टेक्निक्स क्या है हमारी सेपरेशन। तो थैंक यू सो मच।